एसएससी जीडी मैथमेटिक्स में टॉपिक चल रहा था आयु आयु का वीडियो नंबर 4। ठीक है, वीडियो नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर होगा हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा है अर्नब और अमाया की आयु का योग 18 वर्ष है। अर्नब प्लस अमाया आयु का योग 18 वर्ष है। 3 वर्ष बाद अर्नब की आयु अमाया की आयु की 3 गुना होगी। 3 वर्ष बाद अर्नब की आयु 3 वर्ष जोड़ लेंगे और अमाया की आयु में भी 3 जोड़ लेंगे। 3 वर्ष पश्चात बाद की बात है। 3 वर्ष पश्चात अर्नब की आयु अमाया की आयु की 3 गुना होगी। तो 3 वर्ष पश्चात अर्नब की आयु 3 वर्ष पश्चात लेना, इसमें भी 3 जोड़ेंगे और इसमें भी 3 जोड़ेंगे। 3 वर्ष पश्चात अर्नब की आयु अमाया की आयु की 3 गुना होगी। अमाया की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, अमाया की आयु ज्ञात करनी, अर्नब प्लस अमाया 18 वर्ष है। इसको सॉल्विंग कर लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई क्वेश्चन बनाएगी। तो ये हो जाएगा अर्नब प्लस 3 बराबर 3, अमाया प्लस 3 3 9। इसको इधर ले लेंगे, अर्नब माइनस का 3, अमाया बराबर 9 माइनस का 3 6 हो जाएगा। अर्नब माइनस का 3 इंटू अमाया बराबर 6। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 2 को हल कर लेंगे। ठीक है, एक है अर्नब प्लस अमाया की आयु 18, अर्नब माइनस 3 इंटू अमाया बराबर 6। सॉल्व करेंगे तो घटाने पर क्या कट जाएगा, अर्नब से अर्नब यानी कि 4 इंटू अमाया बराबर 18 में 6 कटेंगे 12, देन अमाया बराबर हो जाएगा 12/4 एंड अमाया की आयु 4 3 12, 3 वर्ष इसकी आयु आ जाएगी। अमाया की आयु आएगी इसमें कितनी, 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है एक माँ और उसकी पुत्र की कुल आयु 60 वर्ष है। माँ प्लस पुत्र कुल आयु 60 वर्ष है। ठीक है, इनकी आयु के बीच का अंतर 30 वर्ष है। माँ की आयु माइनस पुत्र की आयु कितना है, 30 वर्ष। आगे कहा माता की आयु ज्ञात करो, यानी माँ की आयु ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो पुत्र से पुत्र कैंसिल हो जाएगा। माँ प्लस पुत्र प्लस माँ माइनस पुत्र बराबर 60 प्लस 30, पुत्र से पुत्र कैंसिल, 2 इंटू माँ बराबर 90 एंड माँ बराबर 90/2 यानी कि 45। तो माँ की आयु कितनी होगी, 45 वर्ष होगी। क्या कहा है, इनकी माँ की आयु ज्ञात करनी, बस आंसर आ चुका है, माँ की आयु 45 वर्ष है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 1 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। ए और बी की आयु 1 वर्ष पहले, एक घटा लेंगे, अनुपात 4:3 था। 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 हो जाएगा, यानी 7 वर्ष बाद, बाद के लिए क्या करेंगे, उतना ही जोड़ देंगे, अनुपात 9:7 हो जाएगा। बी की आयु ज्ञात करो, क्या करना है, बी की वैल्यू फाइंड करनी है। इनमें क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देंगे, समीकरण 1 बन रहा है, समीकरण 2 बन रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाइंग कर देते हैं। या 3 3 है माइनस 3 बराबर बी की है 4b-4। अब क्या करेंगे, ए का मान इधर रख देंगे, बी का मान निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3a/4b-4+3 यानी कि हो जाएगा 4b-1 3a एंड a/4b-1/3। ए का मान इधर रख देते हैं, तो ए का मान हमने रखा 4b-1/3 +7
अपॉन बी प्लस सेवन बराबर 9.7। सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ लघुत्तम आ जाएगा 3, 4b-1 3 लघुत्तम प्लस 3 7 21 बटे बी प्लस 7 बराबर 9/7, ये यहाँ मल्टीप्लाइंग में आ जाएगा। इसके बाद सॉल्व करेंगे 4b+20/3 × b+7 बराबर 9/7, क्रॉस मल्टीप्लाइंग करेंगे 7 × 4b+20 बराबर 3 × 9 एंड बी प्लस 4 7 28b+7 14 140 9 27 b+7 तो 28b+140 बराबर 27b+7 7 9 हासिल 4 7 14 14 4 18। ठीक है, 28b-27b बराबर 189-140, तो b बराबर हो जाएगा 49। ठीक है, b की आयु निकालनी थी, b आ गया 49 ईयर्स।